अगली खबर की रुख करते हैं, जिसमें आप सभी को बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर भी पीएफआई के ठिकानों के ऊपर अब छापेमारी की गई थी और इसी दरमियान अब ताले भी लगा दिए गए हैं। आप सभी को बता दें कि बीजेपी ने इसके ऊपर हमला भी बोला है और अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान के अंदर जो ये दंगे हुए थे उसके अंदर पीएफआई का हाथ था। तो दिखाते हैं इसी बड़ी रिपोर्ट के आज उनके ऑफिस के ऊपर किस प्रकार से ताले लगाए गए और अभी क्या कुछ स्थिति बयां कर रही है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन पर बैन लगा दिया है। पीएफआई के साथ इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल के लिए पाबंदी लगाई गई। बैन लगाने की मांग पर कई राज्यों ने केंद्र सरकार से की थी। बुधवार को जयपुर के ऑफिस में भी ताला लगा दिया गया। बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हाल ही में की थी। राजस्थान में भी हाल ही जयपुर कोटा बारा में इस संगठन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भारत सरकार ने राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बीजेपी राजस्थान के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बैंगलोर से बयान जारी कर कहा, राजस्थान में भी जिस तरह कई जिलों में दंगा हुआ उसी समय हम कह रहे थे कि पीएफआई का इसमें हाथ था। यहां पर भी जब सिद्धारमैया की सरकार थी उसी वक्त भी 23 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और पीएफआई को अखंड रखने के लिए इस पर पीएफआई बैन जरूरी था। फिलहाल देश में की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़18 के साथ। नमस्कार।